हूं दर्शक प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। 1932 को लेकर टाइगर जयराम महतो हुंकार जगह जगह भर रहे हैं। आज उनकी सभा बेंगलोर में जारी है। इस वक्त जमशेदपुर में साक्षी गोलचक्कर में उनका पुतला दहन किया जा रहा है। 1932 विरोधी मंच के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ वजह है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग जयराम महतो का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग 1932 का विरोध कर रहे हैं। हम लोग 1932 वो भी संवैधानिक रूप से कर रहे हैं। बीच में हम लोग न्यूज मीडिया के माध्यम से जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उन लोग झारखंड उसे 1932 को झारखंड विरोधी बता रहा है। और कहीं ना कहीं जयराम महतो कहीं में मंच पर चढ़ के गलत बयान, गाली गलौज, अपने आप को तो वो बोलते हैं कि हम पढ़ाकू है, पढ़ने वाला स्टूडेंट। आप ऐसा ऐसा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप कल आप सदन में जाइएगा, आप क्या बयान कीजिएगा, इस तरह का झारखंड का नाम बदनाम कीजिएगा। इसलिए हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं कि जब से झारखंड बंटवारा हुआ है 15 नवंबर 2000 से स्थानीयता लागू करे। और इसी का विरोध में हम लोग जगह जगह पर पुतला दहन कर रहे हैं और साथ ही जयराम महतो को एक खुली चुनौती दे रहे हैं। जिस तरह से आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं, हम भी झारखंडी हैं, हमें भी झारखंड में अधिकार चाहिए। मेरा भी जन्म झारखंड में हुआ है, बिहार में पैदा लिया। आज झारखंड बंटवारा हुआ है तो वही झारखंडी है। लेकिन जिस तरह से आप बयानबाजी उल्टा सीधा कर रहे हैं, एक नहीं होना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य है, कुछ दिन पहले टाइगर जयराम महतो ने एक गलत बयानबाजी किए दिए थे कि 1932 झारखंड विरोधी आंदोलन है, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उनका पुतला दहन कर रहे हैं। यह नहीं, जब से झारखंड बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 से स्थानीयता लागू हो। 1932 विरोधी मंच का एक ही कहना है, एक ही नारा है कि 1932 का हम विरोध कर रहे हैं, ना कि हम झारखंड विरोधी हैं। 2000 का स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। 2000 से पूर्व जो है झारखंड जो है बिहारी था। और इसी का जो है एक वीडियो के जरिए इन्हें संज्ञान हुआ कि गलत बयानबाजी, जिनके तरह कहा जा रहा है कि गलत बयानबाजी किया गया, जिसके बाद वो आक्रोशित होकर 1932 विरोधी मंच जो है आज पुतला दहन किए। आज जयराम महतो का पुतला दहन किया है। कारण यह है कि हमेशा उसके तरफ से ये अनर्गल बयानबाजी निकलते रहता है, खासकर बिहारियों के प्रति। और जो भी झारखंड में निवास कर रहे हैं, उड़िया, बंगाली, सिख, मुस्लिम, सभी के प्रति वो बोलते हैं कि सिर्फ वही लोग झारखंडी है और जो लोग हैं वह सब बाहरी है। तो इस प्रकार का अनर्गल बयानबाजी वह करते हैं, तो वह काफ़ी निंदनीय है। कहीं ना कहीं वे अपने आप को कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा का इस तरह का भाषा सही नहीं है। हमारा संविधान भी हमें मौलिक अधिकार देता है, मौलिक 6 मौलिक अधिकार है। बहुत सारे लोग विभिन्न राज्य में जाते हैं, निर्बाध रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो उनका बयानबाजी हमेशा खासकर बिहारियों को टारगेट किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर उनका बयानबाजी रहेगा तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे हर वर्ग का लोग, बिहारी, बंगाली, उड़िया, सिख, मुस्लिम, सभी लोग का जनसंख्या और सभी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। अगर वो इस प्रकार से करेंगे तो ये सभी वर्ग भी एक होकर फिर आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे। इसलिए इस तरह का बयानबाजी बंद हो। धन्यवाद। रामेश्वर चौधरी।